व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर टाइम एंड वर्क पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 18 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स रीड। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी अलोन टू फिनिश द वर्क? ओके, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला है हमें टाइम दे रखा है, ए जो है वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। वही काम अगर बी करे तो 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। अब विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। अब ए और बी और सी तीनों काम करेंगे तो 5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताओ सी ने कितना टाइम लिया होगा, हमें यही दिखाना है, यही फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए पहले मैं टोटल वर्क डन निकाल लेता हूँ, मतलब टोटल वर्क डन एस्यूम करके मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ उनकी। हमेशा एफिशिएंसी की तो ज़रूरत पड़ती है ना। सो मैं टोटल वर्क डन मान लेता हूँ 20 यूनिट का टोटल वर्क डन था, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 20 यूनिट मान लिया। तो अब इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? भाई ए जो है वो पूरा काम, 20 यूनिट का काम वो 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करता है? 20/10, करेक्ट। सो कितना हो गया? 22 यूनिट्स वो एक दिन में बनाता है, ये उसकी एफिशिएंसी हो गई। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो टोटल वर्क डन 20 है डिवाइड बाय 20 दिन में करता है, मतलब वो एक यूनिट एक दिन में बनाता है। सिमिलरली सी का हमें पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का हमें पता है, वो 5 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं साथ में। तो 20 यूनिट का काम अगर 5 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं? 20/5, दैट इज 5 × 4 यूनिट्स पर डे, ये तीनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिन का कंसेप्ट देखो, एक दिन में ए अकेला 2 यूनिट बना लेता है, बी 1 यूनिट बना लेता है, तीनों मिलके 4 यूनिट बनाते हैं। तो बताओ सी ने कितना बनाया होगा? भाई 2+1+C का जितना इक्वल्स टू 4 है ना, तो ये 1 यूनिट बनाया होगा इसने, तभी तो टोटल 4 आया है ना। एक दिन में ये तीनों ने काम किया, उसने 2 यूनिट बनाए, इसने 1 यूनिट बनाया एंड इसने 1 यूनिट बनाया, तो टोटल मिलके उन्होंने एक दिन में 4 यूनिट बना दिए, 2+1+1, करेक्ट। तो मुझे सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब बी और सी की एफिशिएंसी सेम है, मतलब बी ने जितने दिन लिए उतना ही सी ने लिए होंगे, करेक्ट। तो सी ने कितने दिन लिए? 20 दिन। फिर भी फॉर्मूले से करके देख लो, टाइम टेकन बाय सी टोटल वर्क डन इज 20/1, एक दिन वो कितना काम करता है? 1 यूनिट पर डे, देयरफॉर 20 डेज इज योर आंसर। Therefore, option number A is your answer. Now, question number 20. Ashok can do a piece of work in 10 days. He works at it for 5 days and then Saheb finishes it in 10 more days. In how many days will Saheb alone finish the whole work? Abhi interesting question hai. Dekho, yahan pe bola hai ki Ashok jo hai, wo 5 days mein kaam ko, sorry, 10 days mein kaam ko complete kar leta hai. ठीक है, एंड साहिब के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि वो 5 दिन काम करता है और फिर साहिब उसे फिनिश करता है 10 more days में। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल वर्क डन जो है वो 100 डेज है, सॉरी 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स का इनको पूरा काम करना था, ठीक है। सो ए ने ये 100 यूनिट्स करने के लिए 10 दिन लगा दिए, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ? 100/10, दैट इज 10 यूनिट्स वो एक दिन में बनाता था। अब एस का मुझे एफिशिएंसी नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ डेज भी नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ एस जो है वो एक्स यूनिट्स बनाता था एक दिन में, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि वर्क डन ऑफ ए प्लस वर्क डन ऑफ बी, मतलब यहाँ पर एस है, ये जो है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। भाई बिल्कुल होगा, ए ने जितना काम किया प्लस एस ने जितना काम किया इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, पूरा काम है ना, क्योंकि यही दोनों हैं जो काम कर रहे हैं। सो और वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? रेट इनटू टाइम। जैसे ए का रेट है 10 यूनिट्स पर डे और मैंने बोल दिया कि उसने 5 दिन काम किया, तो 10 × 5 उसने 50 दिन का काम किया, 50 यूनिट्स बनाए है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, अशोक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज हो गया था, ही वर्क्स एट इट फॉर 5 डेज, मतलब उसने 5 दिन तक काम किया। ए 10 यूनिट्स पर डे बनाता है और उसने काम कितने दिन किया? 5 दिन किया, तो ये उसका टोटल वर्क हो गया, 5 × 10, 50 यूनिट्स उसने बनाए।
प्लस एंड देन साहिब फिनिशेस इट इन 10 मोर डेज। साहिब का मुझे पता नहीं रेट कितना है, मैंने एक्स माना था, लेकिन टाइम पता चल गया कि टाइम उसने 10 दिन लगाए इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो रेट इनटू टाइम से मुझे ये पता चल गया इक्वल्स टू टोटल वर्क डन मैंने कितना माना था 100। दैट्स इट, इसे सॉल्व कर लो एंड इसकी एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी। सो 50 यूनिट्स इसने बनाए प्लस 10x इसने ये बनाए एंड टोटल आ गया 100। सो 10x कितना हो गया एंड x की वैल्यू आ गई दैट इज 5 यूनिट्स पर डे। सो एस की एफिशिएंसी पता चल गई कि साहिब 5 यूनिट एक दिन में बनाता है। एंड हमसे पूछा क्या था, इन हाउ मेनी डेज विल साहिब अलोन फिनिश द होल वर्क। अब साहिब को अगर अकेला करना पड़े तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा भाई। टोटल वर्क डन है उसे 100 यूनिट बनाने हैं, ठीक है, एक दिन में वो 5 यूनिट बनाता है। सो 100 यूनिट कितने दिन में बनाएगा, टाइम टेकन बाय साहिब 100 यूनिट, वो 100 अपॉन रेट कितना है 5 दिन में बनाएगा। सो 5 टाइम्स 20 डेज इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन हाउ मच टाइम विल अशोक एंड साहिब फिनिश द होल वर्क टुगेदर। अच्छा, अब होल वर्क की बात की गई है। तो पिछले क्वेश्चन में देखो हमें ए की एफिशिएंसी पता थी 10 यूनिट्स पर डे, ठीक है, एंड साहिब की हमने निकाल ली थी दैट इज 5 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि वो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सो दोनों जब काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना बना लेंगे, 10+5 दैट इज 15 यूनिट्स पर डे वो बना लेंगे। एंड टोटल वर्क डन कितना माना था 100 यूनिट्स का, ठीक है। सो टाइम कितना लेंगे, वो टाइम टेकन बाय ए एन एस टुगेदर 100 यूनिट्स टोटल डिवाइडेड बाय रेट दैट इज 15। सो 5 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 20। सो 20 अपॉन 3 कितना हो गया, ये 6.6666 डेज इज योर आंसर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 19 to 21। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।